यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो कानपुर में पिछले दिनों हुई नकली शराब से एक दर्जन लोगों की मौत के बाद यूपी पुलिस हरकत में नजर आ रही है। वहीं एक अभियान के तहत पुलिस ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 35 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है और साथ ही इस मामले में दो शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी लखनऊ में एक पुलिस के एक मकान के किराए में रहता था।